वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। फ्रेंड्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1.2 ऑफ NBHM MSC 2017 एग्जाम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, फाई एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दी गई है जो जी से लेकर जी डैश पर डिफाइंड है और सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। तब हमसे जो पहला ऑप्शन है वो पूछा गया है कि अगर आपका जी अबेलियन है, इफ जी इज अबेलियन, तो क्या ये इम्प्लाई करेगा कि जी डैश इज अबेलियन। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका रिग्रेस प्रूफ देखते हैं। देखो, अब देखो, मैं कोई दो एलिमेंट ले रहा हूँ जी डैश में से। तो अब मैं जी डैश में से कोई दो एलिमेंट ले रहा हूँ, तो जैसे सपोज करो मैंने पी एंड क्यू दो एलिमेंट लिए जो जी डैश में से हैं। अगर मुझे जी डैश को अबेलियन प्रूफ करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे पी क्यू को क्यू पी के बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये क्या है, सर्जेक्टिव मैपिंग है। तो यानी कि हर एक एलिमेंट जो जी डैश में है उसकी एक प्री इमेज मिल जाएगी। तो P की प्री इमेज आप क्या मान लो, A, तो P बराबर फाई ए फोर सम A बिलोंग्स टू G, और Q को मैं मान लेता हूँ फाई बी फोर सम B बिलोंग्स टू G। अब देखो, अब PQ क्या होगा, यहाँ से PQ होगा आपका फाई ए मल्टीप्लाई बाय फाई बी, और फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म है तो मैं जानता हूँ फाई ए फाई बी को क्या लिख सकता हूँ, फाई ए बी। इसी तरीके से आप देखो QP की वैल्यू क्या हो जाएगी, QP हो जाएगा फाई बी फाई ए, और इसे मैं लिख सकता हूँ फाई बी ए। अब G मुझे क्या दिया हुआ है, अबेलियन, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, BA के। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम बता सकते हैं कि जो PQ बराबर QP हो जाएगा क्योंकि AB बराबर BA है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं दूसरे वाले स्टेटमेंट के ऊपर। दूसरे वाले स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है कि अगर हमारा जी एक साइक्लिक ग्रुप है तब क्या आप प्रूफ कर सकते हो कि जी डैश आपका साइक्लिक है। ठीक है, तो अगर आप डिसप्रूव करना चाहते हो तो कोई काउंटर एग्जांपल दे दो। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इफ जी इज साइक्लिक, इफ जी इज साइक्लिक तब आपको शो करना है कि जी डैश इज ऑल्सो साइक्लिक, जी डैश इज साइक्लिक। ठीक है, अब देखो इसे कैसे शो करेंगे। अब आप देखो फ्रेंड्स कि जी हमारा साइक्लिक ग्रुप है तो इसका कोई ना कोई एक जनरेटर जरूर होगा, तो उसको मैं मान लेता हूँ कि जी का जो जनरेटर है वो ए है। ठीक है, जी इज जनरेटेड बाय ए। अब अगर मुझे जी डैश को साइक्लिक प्रूफ करना है फ्रेंड्स, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि जी डैश के पास भी एक जनरेटर होगा। ठीक है, अब देखो वो हम कैसे दिखाएंगे। तो आप देखो फ्रेंड्स, मैं कोई एक एलिमेंट सपोज करके चलता हूं, लेट पी बिलोंग्स टू जी डैश। ठीक है, मैंने कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे पता है कि ये जो मैपिंग है ये सर्जेक्टिव मैपिंग है, तो इसके अंदर मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं कि पी की कोई ना कोई प्री इमेज होगी। तो फोर सम देयर एग्जिस्ट सम B belongs to G such that phi of B आपका किसके इक्वल है, P के इक्वल। ठीक है, तो ये बात मुझे पता चली। अब देखो, जो मेरा phi of B अगर P के इक्वल है, अब ये G क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप, G साइक्लिक ग्रुप है, तो अब B किस में से, G में से, तो B बराबर A की पावर K फोर सम K belongs to आपका Z, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है इसलिए। ठीक है, K belongs to Z plus लिख सकते हो आप। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि phi B बराबर P मैंने माना। उसके बाद मैं अब हर एक चीज़ को लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है B किस में से, G में से, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैं इसको नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट लोगे फ्रेंड्स तो जी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है तो ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। तो उस केस में तो आप देख सकते हो कि जी साइक्लिक है तो जी डैश साइक्लिक होगा, पर मैं ए को क्या लेके चल रहा हूँ, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट से जी जनरेट हो रहा है, तब मैंने यहाँ जेड प्लस यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो, तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, फाई ऑफ ए की पावर के बराबर पी। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, फाई ऑफ ए की पावर के को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए के कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, के टाइम्स बराबर पी। अब देखो,
अब यहां से क्या इंप्लाई करेगा फ्रेंड्स, आपका यहां से इंप्लाई करेगा क्योंकि phi एक होमोमॉर्फिज्म है, तो ऐसे लिख सकता हूं phi a कितने टाइम्स, k टाइम्स, ठीक है, बराबर आपका क्या हो जाएगा p, तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा phi a की पावर k क्या हो जाएगा p, तो यानी कि आप मुझे कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट p उठाकर दे दो g डैश में से, मैं उसे phi a की पावर k के रूप में लिख सकता हूं जहां पर k बिलोंग्स टू z प्लस, यानी कि मैंने जो g डैश ग्रुप है उसका जनरेटर फाइंड आउट करके बता दिया, तो यानी कि मेरा जो g डैश ग्रुप है वो एक साइक्लिक ग्रुप हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर b जो है वो भी ट्रू हो गया। फ्रेंड्स जो हमारा पार्ट सी है उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एन आपका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तब आपको शो करना है कि जो आपका फाइ ऑफ एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी डैश का। अगर ये बात सही है और गलत है तो आप काउंटर एग्जांपल दो। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ फाइ ऑफ एन को, फाइ ऑफ एन में किस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे, इसमें एलिमेंट्स आएंगे फाइ ऑफ एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसको मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ, इसको मैं एन डैश के इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे अगर इसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है तो जी वन स्मॉल एन डैश, जी वन इनवर्स किस में होना चाहिए, एन डैश में, फॉर एवरी जी वन बिलोंग्स टू जी डैश एंड एन डैश बिलोंग्स टू कैपिटल एन डैश, ये नॉर्मल सब ग्रुप की क्या होती है डेफिनेशन। तो अब मैं कोई एलिमेंट पिक करता हूँ इस टाइप का, ठीक है फ्रेंड्स, G1 N डैश और G1 इनवर्स। आप जानते हो फ्रेंड्स कि मैं G1 कहाँ से ले रहा हूँ, G डैश से, और ये क्या है एक सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है फाई, तो G1 की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, उसको मैं नाम दे देता हूँ P। तो सपोज करो फाई ऑफ पी है जीवन, अब होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से जीवन इनवर्स की जो प्री इमेज है वो होगी आपकी फाई ऑफ पी का इनवर्स, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, होमोमॉर्फिज्म से फाई ऑफ पी इनवर्स बराबर जीवन इनवर्स, ठीक है, मैंने होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की। अब देखो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, फाई ऑफ पी इनवर्स और एन डैश आपका कोई एक एलिमेंट है तो एन डैश आपका इस सेट में से होगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ फ्रेंड्स आपका फाई ऑफ एन फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, ये तो वाया डेफिनेशन। और जीवन इनवर्स क्या है, फाई ऑफ पी इनवर्स, तो अब ये क्या हो जाएगा होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से फाई ऑफ पी इनवर्स एन पी इनवर्स फाई ऑफ, ये तो फाई ऑफ पी है ना, हाँ पी एन पी इनवर्स। अब आप देखो अब आपको एन क्या दिया हुआ है, नॉर्मल सब ग्रुप जी का, तो नॉर्मल सब ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है, जी एन जी इनवर्स आपका किस में होगा, जी में, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी एंड स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब देखो पी एन पी इनवर्स आपका किस में आएगा फ्रेंड्स, पी एन पी इनवर्स आपका आप देख सकते हो, सॉरी फ्रेंड्स ये आपका जी एन जी इनवर्स कैपिटल एन के अंदर आएगा, क्योंकि एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का तो जी एन जी इनवर्स आपका एन में बिलोंग करता है, फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी एंड स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो अब यहाँ पर बस पी तो लिखा हुआ है, पी क्या है, कोई भी एलिमेंट है इस वाले ग्रुप का जी का, और एन किसका एलिमेंट है कैपिटल एन का, और पी इनवर्स भी किसका होगा जी का, क्योंकि पी जी का है तो पी इनवर्स भी जी का होगा। तो चूंकि आपका n नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, इसलिए ये जो आपका एलिमेंट है ये किस में बिलोंग कर जाएगा, कैपिटल n में। तो अब हम देख सकते हैं कि ये अगर कैपिटल n में बिलोंग कर गया फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा एलिमेंट है ये किसके अंदर आ जाएगा, इस वाले सेट के अंदर आ जाएगा n डैश के अंदर। वही तो हमें प्रूफ करना था, क्योंकि n डैश के अंदर हम ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जहां पर फाई ऑफ n टाइप का हो और n आपका किस में से होना चाहिए, n में से। तो अब ये जो एलिमेंट है पी एन पी इनवर्स ये आपका n में से आ रहा है, तो मतलब ये आपका जो एलिमेंट है ये एन डैश में से आ गया। तो अल्टीमेटली मैंने क्या शो कर दिया, जीवन एन डैश जीवन इनवर्स आपका किस में आ गया, ये आपका आ गया एन डैश में, ठीक है। फॉर एवरी जीवन बिलोंग्स टू कैपिटल जी डैश एंड एन डैश बिलोंग्स टू कैपिटल एन डैश, और जो कैपिटल एन डैश है उसको मैंने फाई एन माना था, तो फाई एन आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी डैश का। थैंक यू फ्रेंड्स।